इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में और ये एक्सरसाइज 2.3 है। इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमें रिलेशन या फंक्शन दिया होता है तो उससे हम डोमेन या रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो हमें ये बताना है कि इनमें से जो रिलेशन दिए हुए हमें कौन से फंक्शन होंगे कौन से नहीं होंगे और हमें डोमेन और रेंज भी बताना है। इसमें रिलेशन और फंक्शन में एक डिफरेंस ये होता है कि रिलेशन में ये जो डोमेन है ये रिपीट हो जाता है लेकिन फंक्शन में ये डोमेन रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखते हैं तो इसमें जो डोमेन दिया हुआ है अगर हम डोमेन निकालें से तो डोमेन होता है ऑर्डर्ड पेयर का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो। तो डोमेन क्या होगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17 और इसमें देख रहे हैं कि डोमेन कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है तो इसलिए इसको हम फंक्शन कहेंगे, इसको रिलेशन नहीं कहेंगे। और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 1, इसकी रेंज 1 ही रहेगी यहाँ पर क्योंकि इसमें सिर्फ हर एक जो है वो रिलेटेड 1 से ही है तो इसलिए इसकी रेंज 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो डोमेन है वो डिफरेंट है यानी कि 2 भी 1 से रिलेटेड है, 5 1 से रिलेटेड है तो इसमें किसी में रिपीटेशन नहीं है। अब इसके सेकेंड पार्ट में इसका डोमेन चेक करते हैं, तो डोमेन जो है ये फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे ये डोमेन होंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये इसके डोमेन है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनमें जो डोमेन है पहला जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में तो ये फंक्शन होगा। और इसकी रेंज जो रिलेटेड है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तो रेंज ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाले में थर्ड में यहाँ देख रहे हैं कि 1, 3, 1, 5, 2, 5 तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। तो अब अगर हम इसमें दो सेट यहाँ पर लें, फर्स्ट वाले में एलिमेंट हो जाएंगे 1 और 2 ये डोमेन हो जाता है और ये रेंज के लिए कंसिडर करते हैं। दूसरे में क्या है 3 और 5 तो 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है और 2 5 से रिलेटेड है। तो 1 यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट हो गया जिसकी दो इमेज है 3 एंड 5 तो इसको हम रिलेशन कहेंगे, इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फंक्शन और रिलेशन में यही डिफरेंस है तो इसलिए ये एक रिलेशन होगा और इसका जो डोमेन हो जाएगा वो 1 और 2 इसमें दो ही एलिमेंट आएंगे। रेंज जो होगी इसकी उसमें भी दो एलिमेंट हैं 3 एंड 5 तो इस तरह से हमने इसके डोमेन और रेंज फाइंड किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेते हैं यूटी वगैरह में या हाफ ईयरली में या फाइनल में किसी में कभी न कभी। तो fx इज इक्वल टू माइनस मोड x दिया है, इसका हमें डोमेन और रेंज पता करना है। अब माइनस मोड x को अगर हम लें तो फंक्शन में हम कौन सी ऐसी तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन के लिए हम यही चेक करते हैं कि किस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ जो फंक्शन है तो जो fx फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे वो डिफाइन होगा x belongs to R के लिए, इसका मतलब इसमें हम x की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x belongs to R तो x की जो रियल वैल्यूज है हम कोई भी इसमें रख सकते हैं तो डोमेन होगा वो रियल नंबर का सेट होगा। अब इसकी रेंज निकालते हैं, तो रेंज निकालने के लिए जो मोड x है उसको लेते हैं, मोड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x belongs to R के लिए, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसलिए या 0 हो सकता है तो इसलिए ये 0 तक हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। फिर माइनस मोड x ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि जब माइनस आ गया तो ये साइन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा फॉर ऑल x belongs to R के लिए। और ये माइनस मोड x क्या है, यही तो फंक्शन है हमारा। तो fx ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x belongs to R, जब डोमेन हमारा कोई रियल वैल्यू का सेट है तो उसके लिए जो फंक्शन है हमारा ये वैल्यू देगा ऑलवेज 0 तक या 0 से कम तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी यहाँ पर वो 0 से नीचे रहेगी यानी कि ये क्लोज इंटरवल 0 से और ये माइनस इन्फिनिटी तक तो ये रेंज होगी और ये इसका डोमेन हो जाता है। नेक्स्ट में सेकेंड वाले में फंक्शन दिया है 9 - x² fx इज इक्वल टू 9 - x² अंडर रूट।
तो हमें यहाँ देखना है कि ये फंक्शन जो है कौन सी वैल्यू पर डिफाइन हो सकता है। तो फंक्शन ऑलवेज डिफाइन होगा किस पे, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये लेस देन 0 है तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये फंक्शन जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालें इसके लिए, पहले डोमेन के लिए x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो एक मेथड यहाँ पे ये कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर को रख लेते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को रख लेते हैं 0 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 9 और एक्स इजकल टू प्लस माइनस 3। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस नंबर लाइन पे ले लेंगे हम इसको। तो यहाँ पर ले लिया हमने माइनस 3, यहाँ पर ले लिया प्लस 3, और ये प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इधर ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब इसको हमने स्प्लिट कर लिया, ये है x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर आता है x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। एक इंटरवल ये बनता है कि x लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ऐसे तीन इंटरवल बन गए हमारे ये। अब इन तीनों इंटरवल पर हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो अगर फर्स्ट वाला इंटरवल लेते हैं, फर्स्ट वाला, तो इसमें x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 है। तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 होने का मतलब ये है कि अगर हम x को माइनस 4 रखते हैं, तो 9 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, ये ऑलवेज जो है ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 आएगी। तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसमें एफ एक्स जो हमारा आएगा वो नॉट डिफाइंड होगा, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते। इसी तरह से ग्रेटर देन 3 होगा तो एफ एक्स यहाँ पर भी डिफाइन नहीं होगा, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो फंक्शन की वैल्यू हम क्या, तो हम एक्स को किस वैल्यू के लिए लेंगे फिर, तो रह गया यहाँ पर एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। तो यही हमारा डोमेन हो जाएगा, माइनस 3 से 3, इस पे फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। अब ये डोमेन हो गया, तो इस डोमेन के इसमें हम रेंज पे लेंगे। तो रेंज के लिए हम ये देखते हैं कि अगर हम एक्स को 3 रखते हैं तो एफ एक्स या एफ 3 जो हमारा आता है वो 0 के इक्वल आता है। प्लस 3 रखें या माइनस 3, ये 0 के इक्वल आएगा। उसके बाद अगर एक्स को हम 0 रखते हैं तो एफ 0 हमारा जो है वो 3 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। रेंज इसकी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो इसलिए ये जो रेंज आएगी वो 0 से 3 तक आएगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कब, माइनस 3 से और 3 तक, ये डोमेन हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये रेंज हो गई इसकी 0 से 3 और ये डोमेन हो गया माइनस 3 से 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब इसके लिए हमें वैल्यूज लिखनी है यहाँ पर। तो ये एफ 0 ले लिया यहाँ पर, तो 2 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। तो इसी तरह ये आप जो है कर सकते हैं इसको, ये इजी है काफ़ी क्वेश्चन। तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस 6 माइनस 5 इजकल टू माइनस 11। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, 7 पे भी फाइंड आउट कर लेंगे इसकी वैल्यू। नेक्स्ट में ऐसा ही ये फंक्शन है, इन्होंने t के लिए दिया हुआ है 9c/5+32। तो हमें ये अलग अलग रख के इनमें वैल्यूज निकालनी है बस। तो अगर 0 के लिए लेंगे तो 9 × 0/5+32, तो ये 32 आ जाएगा। माइनस 10 के लिए भी ले लिया तो 9 × −10/5+32, तो ये −2 हो गया यहाँ पर, −18+32 इसमें आ जाता है 40। तो इस तरह से और भी वैल्यूज लेके हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं सब कुछ जो भी इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट में फिफ्थ में ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें रेंज पता करनी है। तो फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 − 3x। इसके लिए हमें रेंज का पता करना है कि कितनी रेंज होगी, और x बिलोंग्स टू r, और x के लिए इन्होंने दिया कि ग्रेटर देन 0 है। तो जो इन्होंने गिवन है उसी को ले लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, तो 3x भी ग्रेटर देन 0 × 3 या 3x > 0 और −3x < 0, ये चेंज हो जाएगा साइन इसका, ग्रेटर देन की जगह लेस देन बन जाएगा माइनस होने की वजह से। उसके बाद यहाँ पर
2 माइनस 3x, दोनों साइड में 2 ऐड कर लिया, तो ये क्या आ गया, फंक्शन हो गया पूरा हमारा। इसका मतलब fx ऑलवेज लेस देन 2। तो अब यहां पर फंक्शन जब ऑलवेज लेस देन 2 है तो ये रेंज जो हो जाएगी वो 2 से माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएगी, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए ये ओपन इंटरवल लगेगा इसमें, तो रेंज ये हो जाएगी। नेक्स्ट वाले में, सेकंड में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स बिलोंग्स टू आर है, एक्स यहाँ पर एक रियल वैल्यू है, उसको लेकर हमें डोमेन दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू आर, उसको लेकर हमें रेंज पता करनी है। तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स को प्लस या माइनस कुछ भी रखेंगे ये ऑलवेज प्लस ही आएगा, या मिनिमम वैल्यू 0 दे सकता है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2, ये हो गया फंक्शन। तो एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसकी जो रेंज आएगी वो ऑलवेज 2 से ज़्यादा होगी या 2 तक, तो 2 से लेके और इन्फिनिटी तक हम चले जाएंगे, इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, तो 2 से इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट वाले इसमें थर्ड में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो डोमेन तो एक रियल वैल्यू है, अब जो भी डोमेन रखेंगे वही हमें यहाँ पर मिलेगा, 1 रख दिया तो 1 मिलेगा, माइनस 3 रख दिया तो वो भी माइनस 3 मिलेगा, तो यहाँ पर जो भी हम रखेंगे एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखें तो हमें आउटपुट में रियल वैल्यू ही मिलेगी, इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो भी एक रियल वैल्यू का सेट होगी, तो रेंज इज इक्वल टू आर, रियल नंबर का सेट होगी रेंज भी। तो ये थी एक्सरसाइज 2.3।